अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ शीर खुरमा रेसिपी, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की है। आपने कभी मिट्टी के बर्तन में या मिट्टी के कूजे में पका हुआ दूध ज़रूर पिया होगा, जो सबको बहुत पसंद आता है। तो बस आज मैंने बनाई है मिट्टी के बर्तन की खुशबू और फ्लेवर के साथ शीर खुरमा रेसिपी। इस रेसिपी की खास बात यह है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो ये खाने में हेवी बिल्कुल भी फील नहीं होगी, बट एट द सेम टाइम बहुत ही क्रीमी और रिच फ्लेवर होगा। इस रेसिपी को ट्राई करने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें और मेरी रेसिपी को थम्स अप ज़रूर दिया करें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 लीटर मिल्क बॉयल करने के लिए रख दिया है। जब तक ये दूध बॉयल होगा हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक सॉस पैन में 1 कप या 4 टेबलस्पून घी लेके 1 पैकेट सिवैयाँ, जिसको मैंने बारीक बारीक क्रश कर लिया है, वो हम डाल के हल्की हल्की भून लेंगे। सिवैयाँ वैसे तो ब्राउन होती हैं, लेकिन हम इसको हल्का हल्का सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब हमारी सिवैयाँ अच्छी तरीके से भून गई हैं, इसको हम अलग-अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखें, मैंने इनको हल्का हल्का सा फ्राई किया है, ज़्यादा फ्राई नहीं किया है। अब उसी घी में, ये मेरे पास 2 इंच का टुकड़ा खोपरा था जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है, वो हमने उस घी में डाल दिया। ये किशमिश है 1 कप, जिसको रात भर पानी में भिगो दिया था, वो ऐड करेंगे। ये बादाम और पिस्ते हैं जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो घी में ऐड करेंगे। और 10 से 12 छुहारे हैं जिनको मैंने रात को पानी में भिगो दिया था, तो ये फूल कर इस तरीके के हो गए थे, इनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। ये भी हम इसी घी में ऐड करेंगे और हल्का हल्का इन्हें फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से भी चूज़ कर सकते हैं। ये हमारे ड्राई फ्रूट फ्राई हो गए हैं, अब इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से मैंने फ्राई करे हैं। हमारे दूध में बलाई आनी शुरू हो गई है, इस बलाई को हम इसी दूध में शामिल करेंगे। अभी इसको बॉयल होते हुए सिर्फ 1/2 घंटा हुआ है, मैं मज़ीद इसको अभी 1 से 1.5 घंटा तक और बॉयल करूँगी, जब तक कि इसका कलर चेंज हो और इसमें थिकनेस आए। हमारे दूध को बॉयल होते हुए 1.5 घंटा हो गया है और ये थिक भी हो गया है। अब मैं इसमें 4 से 5 इलायची जो मैंने पीस ली थी वो ऐड करूँगी। केवड़ा वाटर 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी। चीनी 1 कप ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं, बट ये रेशो बहुत परफेक्ट रहेगा। अब हम फ्राई की हुई सिवैयों को दूध में शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। 20 से 25 मिनट तक सिवैयों को दूध के साथ पकाएंगे। अब हम यूज़ करेंगे मिट्टी का पॉट या मिट्टी का प्याला, जिससे इस शीर खुरमे की रेसिपी दुबाला हो जाएगी। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपके फैमिली मेम्बर एंड फ्रेंड्स आपसे इस रेसिपी को ज़रूर पूछेंगे। मिट्टी के इस प्याले को मैंने 15 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था। अब 1/2 घंटे के लिए हम इसको सेकेंगे, जब तक ये हमारा शीर खुरमा स्लो फ्लेम में आहिस्ता आहिस्ता पक रहा है। इस पकते हुए शीर खुरमे में जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई करे थे उसकी 1/2 क्वांटिटी हम शामिल कर देंगे। और 1/2 ड्राई फ्रूट सेपरेट कर लेंगे जो हमारी गार्निशिंग के काम आएंगे। ये हमारा शीर खुरमा एकदम अच्छे तरीके से रेडी है। अब इसमें आता है ट्विस्ट, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। ये हमारा मिट्टी का प्याला, इसमें मैंने असली घी डाला है और इसको शीर में शामिल कर दूंगी। और बस इस तरीके से इसमें खुशबू, सौंधापन और फ्लेवर आएगा। ये हमारी पकती हुई शीर में बिल्कुल नीचे तक होना चाहिए। इसके ऊपर आप शीर आहिस्ता आहिस्ता करके डालें, 15 मिनट के लिए कवर करके रख दें।
मिट्टी के इस पॉट को अपने शीर में से रिमूव कर दें। बस इसकी खुशबू, इसका सौंदापन इसमें आ चुका है। सर्व करने के लिए मैंने प्योर देसी टच देने के लिए इसको मिट्टी के बर्तन में ही सर्व किया है। ये देखें, गाढ़ी सी मज़ेदार सी हमारी शीर खुरमा बनके बिल्कुल रेडी है। जो हमने अपने आधे ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे थे, ऊपर से गार्निशिंग के लिए हम वो डालेंगे। जितना आपका दिल चाहे आप डालें। यहाँ पर मेरे पास पिसा हुआ खोपरा है, 2 टेबलस्पून में गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से शीर खुरमा रेसिपी बनकर तैयार है। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।